मुफ्त की कोई चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती, किसान के मरने की सुर्खियां अखबार में नहीं मिलती। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हल्ला बोल विद अतुल तिवारी में। मैं हल्ला बोलने आया हूं आज रायबरेली डिस्ट्रिक्ट की सलोन नवीन मंडी में। तो स्वागत है किसान भाइयों का जो अन्नदाता हैं हमारे, आइए उन्हीं से जानते हैं कि इनको क्या दिक्कतें हैं और ये क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार से। तो आइए सीधा जुड़ते हैं किसान भाइयों से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है इस बार नवीन मंडी में और क्या चाहते हैं आप सरकार से और क्या दिक्कतें हो रहे हैं आपको, आपके सामान में गाय जानवर से आपको क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो है टैक्स ख़त्म किया था, 2.5% जो टैक्स होता था उसमें 2% मंडी शुल्क होता था और 0.5% विकास सेस होता था, लेकिन इन्होंने अभी फिर उसको 1.5% कर दिया है और इससे जो है व्यापारियों में, हम लोग व्यापारी हैं, व्यापारियों में बड़ा रोष है और मंडी में जो है चार दीवारी टूटी हुई है, छुट्टा जानवर चल रहे हैं जिससे हम लोगों की जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो काफ़ी आपको जानवरों से दिक्कत है? काफ़ी जानवर से? जी जी, जानवरों से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है जानवर से। जी जी। और सरकार से आप क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं और संदेश क्या देना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो टैक्स फ्री था वो फ्री ही रहे, टैक्स फ्री रहे। जी जी, टैक्स मुक्त चाहते हैं क्योंकि किसान हैं, अन्नदाता हैं हमारे, रोटियां इन्हीं के दम पे चलती हैं, हमारे बड़े बड़े व्यापारियों से नहीं अन्नदाताओं से। और आइए दादा जी से जानते हैं आप क्या अपेक्षा रखते हैं क्योंकि आप लोग सुबह 6 बजे से यहाँ आ जाते हैं निरंतर, रात भर मेहनत करने के बाद आपके घर में सब्जियाँ और अन्न बन पाता है। आइए दादाजी से जानते हैं। दादाजी बताएं आप क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं सरकार से और क्या संदेश देना चाहते हैं और आपकी क्या ज़रूरतें हैं? भाई डॉक्टर भाई सब पूरी नहीं हो पाती हैं समझा, और जितने भी हमारे दुकानदार छोटे भाई हैं वो तो बेचारे फुटपाथ पर लगाते हैं, पल्ली लगा के बांध देते हैं, शाम को जितने जानवर आते हैं सब ख़राब कर देते हैं, सब नुकसान उठाते हैं, बेचारे परेशान हैं, कमाई कुछ नहीं, नुकसानदारा होता है, सरकार से कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। सरकार से कहने से कोई फायदा नहीं होता है, गौशाला तो बनी है दद्दा, बहुत गौशालाओं का आवंटन हुआ है, क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में गौशाला नहीं है? होगी मगर कहीं कोई जानकारी नहीं है, जानवर सब यहाँ फिरते हैं, रात भर फिरते हैं और सब नुकसान करते हैं, अब कहाँ बनी हुई है कि कहाँ बन रही है इसकी कोई जानकारी नहीं। आपके नवीन मंडी की आपको क्या लगता है किसान भाइयों को क्या हो सकता है आप बताएं? नहीं, यहाँ पे तो सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, जानवरों से मुक्ति चाहिए, चार दीवारी टूटी हुई है, पेयजल की समस्या है, पेयजल की समस्या है और अभी हमने पता किया था कि शौचालय भी यहाँ नहीं है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर घर शौचालय है और जहाँ हजारों की तादाद में, जैसा कि आप भैया कैमरा थोड़ा घुमाइए और दिखाइए, हजारों की तादाद में किसान भाई आए हुए हैं, यहाँ पर न शौचालय है और बता रहे हैं 1.5% टैक्स देते हैं आप, 1.5% टैक्स लगता है लेकिन चार दीवारियाँ टूटी हुई हैं। तो आइए फिर से भाई साहब से एक बार जानते हैं कि यह थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भाई साहब क्या चाहते हैं इस बार सरकार से, थोड़ा छोटा सा संदेश दें फिर हम लोग थोड़ा आगे निकलेंगे। सरकार से हम ये छुट्टा जानवरों से मुक्ति चाह रहे हैं, प्रमुख हमारा जो है यही कि इन छुट्टा जानवरों से मुक्ति मिल जाए जिससे हमारी फसलें बच जाएं। जी, क्योंकि रात भर इस ठंडी में जो है किसान पूरी पूरी रात जो है वहाँ ताकता है खेतों में और जिससे आए दिन जो है उनकी मौत भी हो जाती है, आए दिन किसानों की मौत हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया किसान भाई मरता है तो अखबार में सुर्खियां नहीं निकलती हैं। आइए आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा, हम थोड़ा और मंडी की ओर बढ़ना चाहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। देखिए सब्जी की दुकान पर हम मौजूद हैं और किसान भाई से जानते हैं क्या ये सरकार से संतुष्ट हैं और रेट से संतुष्ट हैं? जी हाँ। ये बताइए सब्जियां क्या रेट चल रही हैं आज, टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह? प्याज चल रही 15 रुपए किलो, टमाटर चल रहा 10 रुपए किलो। और 10 रुपए किलो मतलब 1000 रुपया कुंटल? हाँ। 1000 रुपए कुंटल और 1500 रुपए में प्याज है। तो आप सरकार से क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं क्योंकि महंगाई जोरों शोर पे है, किसान भाई जो कि आपके घर का खाना पानी इन्हीं से चलता है, आइए इनसे जानते हैं क्या अपेक्षा रखते हैं ये सरकार से। सरकार से जैसे चल रहा बस ऐसा ही चाहते हैं। तो आप संतुष्ट हैं मंडी से?
तो आइए और बढ़ते हैं, आइए जानते हैं, भाई साहब हमारे साथ जुड़ते हैं, इनसे जानते हैं क्या माहौल है मंडी में और क्या चाहते हैं आप इस मंडी के बारे में, क्या सोचते हैं। सलोन रायबरेली जिले में स्थित सब्जी मंडी, मैं अमित कुमार पांडे। यहाँ पर किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं जी। किसान पूर्णतः त्रस्त है आवारा पशुओं से, मंडी की परिस्थितियाँ बहुत ही, थोड़ा तेज बोलिए, गड़बड़ हो चुकी हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिनका निदान करना बहुत ज़रूरी है, जिस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। चुनाव के समय पर वादे किए जाते हैं लेकिन वादों को भुला दिया जाता है। चुनावी समय में लोगों को मुद्दा बनाकर सब कुछ समझ में आता है। अभी भी आप चुनाव के समय यहाँ पर आए हुए हैं, फिर शायद आप कभी यहाँ दिखेंगे नहीं जी, इसलिए क्योंकि आपको भेजा गया है चुनावी रिपोर्ट के लिए। आप दिखा दीजिए सबको एक बार कैमरा, ये सब बोलने से डर रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। किसान जो होता है, बिना किसान के बिना गांव के, बिना किसान के बिना गांव के किसी भी देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है, देश का हित नहीं हो सकता। किसान है तो शान है, नहीं तो कुछ नहीं। गरीब जनता, गरीब लोग यहाँ पर अपने खेत में टमाटर, गोभी, आलू जैसे अन्न को उपजाते हैं, दिन रात मेहनत करके यहाँ पर आते हैं कुछ पैसे, चंद पैसों के लिए। लेकिन ये सरकार आवारा पशुओं को छोड़कर इनके इस किए हुए कर्मों पर भी पानी फेर दे रही है। विशेष आग्रह हमारी माननीय शासन से यही है कि आप इन पर विशेष प्रबंध कर जो भी आपके जानवर के जो बनवाए गए पशु गौशालाएं तो भी बनी हैं, उसमें क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि हम ही लोगों के बीच से ये जानवर छोड़ दिए जाते हैं। आज नहीं, आप अपने गाँव में नहीं, दूसरे के गाँव में जाकर आप अपना जानवर छोड़ आते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई जानवर छोड़ देते हैं या कैसे कर देते हैं, वो तो बात दूसरी है। लेकिन अगर सरकार सबकी व्यवस्था कर रही है तो उसकी भी व्यवस्था करे ना, वो तो उसका अपना पर्सनल काम है जी। बताइए, सरकार जो है जानवरों की व्यवस्था कराई, हर ग्राम सभा में बना हुआ है, जानबूझ के लोग छोड़ रहे हैं। इस सरकार में इतना ज़्यादा फायदा हुआ है कि हर गरीबों को दाना मिल रहा है, अनाज मिल रहा है खाने के लिए, और जो है लाइट जो बसपा में और सपा में नहीं मिलती थी वो 18 घंटे लाइट मिल रही है। हमारे लोगों की खेती अच्छी तरह से हो रही है, खेती अच्छी तरह से हो रही है। पहले जो सपा बसपा के राज में लाइट नहीं मिलती थी, दादा कह रहे हैं आज 18 घंटे लाइट मिल रही है, इसका मतलब है सिंचाई वगैरह की व्यवस्था कैसी है आपके? नहीं, बढ़िया व्यवस्था है भाई, कोई दिक्कत नहीं है पानी की, 18 घंटे लाइट है, और कह रहे हैं सिंचाई और पानी की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, थोड़ा जानना चाहेंगे? ऐसा पहले बहुत बड़ा गुंडई थी सपा सरकार में, अब भाजपा सरकार में, योगी महाराज सरकार में किसी तरह से कोई गुंडई नहीं हो रही है। तो योगी बाबा कहा फिर से आएंगे? योगी बाबा फिर से आएंगे, 300 के पार आएंगे अब की बार, 300 के पार। कितने लोग समर्थित हैं दादा से कि अब की बार भाजपा सरकार 300 सीटों के पार जाएगी? कितने लोग समर्थित हैं? सभी लोग, सब लोग, सब लोग, हमारे लोग, आप भी समर्थित हैं। और थोड़ा कैमरा घुमाइए, अगर जितने लोग कह रहे हैं दादाजी कि भाजपा सरकार 300 सीटों के ऊपर आ रही है, तो अपने हाथ ऐसे खड़े कर दें। अगर आप अपने हाथ ऐसे नहीं करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि भाजपा इस बार 300 के पार नहीं जाने वाली है। क्यों दादाजी? नहीं जाने वाली, पार जाएगी, नहीं जाने वाली, नहीं जाने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है? आधे सवालों का जवाब दे रहे हैं। चलिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसका आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अच्छा दादाजी, कुछ देखिए, हर गरीबों को दो बार महीने में राशन किसी सरकार ने नहीं दिया था, 2000 रुपया किसी सरकार ने नहीं दिया था, यही सरकार है जो कि महीने में दो बार राशन दे रही है। इससे लोग खा रहे हैं, भले अगर नुकसान हुआ होगा हल्का फुल्का, तो उसको जानबूझ के जानवरों को छोड़ा गया है कि नुकसान हो, भाजपा सरकार फेल हो, इसके लिए। ये बताइए, जो आप लोगों के खाते में 3000 रुपए की किस्त मिलती है प्रधानमंत्री जी द्वारा, उससे आप लोगों को क्या लाभ मिलता है, ये थोड़ा? उससे लाभ हमको मिल जाता है अपने बच्चों के दवा के लिए और दवाई के लिए, 5 लाख की हमारी तो इसे मुफ्त सरकार दवा करा रही, इलाज करा रही है, इससे बड़ी और सरकार क्या फायदा दे सकती है भाई। दादा का कहना है कि सरकार द्वारा इनको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। हाँ, काफी मिल रहा है भाई, चाहे जो गरीब जाए, हमने कई लोगों को देखा, इलाज करवा रहे हैं। अस्पतालों का क्या माहौल है? अस्पताल का अच्छी तरह चल रही है, अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब डॉक्टर बराबर बैठते हैं, डॉक्टर जो है दवा दे रहे हैं,
कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आइए इनसे जानते हैं मंडी का हाल और इनसे जानते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं और ये किस समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं। भैया आपने अभी राशन की बात की, मुफ्त राशन की जी। 5 किलो गल्ला देते हैं जी, खेत में कितना चरवा रहे हैं उसकी भी तो बात कीजिए आप। किसान सारी रात जो अपने खेतों पर बैठ रहा है, सारी 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 रात अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। एक चीज बताइए आप, दादा दादा सुनिए दादा, वन बाई वन आपके पास भी आते हैं। पहले इन युवा भाई साहब की बात, उत्तर प्रदेश में गाय को हमारी माता माना जाता। मैं भी हिंदू ब्राह्मण हूँ। गाय हमारी माता, हम भी गाय पाले हुए हैं जी। लेकिन यही गाय जो है गोवा में क्या हो जाती है, मणिपुर में क्या हो जाती है, मेघालय में क्या हो जाती है, वहाँ माता नहीं होती है। हिंदूवादी सरकार यूपी में नहीं है, केंद्र में नहीं है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री योगी नहीं है, अबे तो क्यों कट रही है? लाद लाद कहाँ ले जा रहे हैं इनको, कहाँ ले जा रहे हैं? बंगाल ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? इस पे हम बोलना चाहेंगे। देखिए कि वो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहना है कि जो है गाय यहाँ कट रही है, गाय किसकी कट रही है, गाय किसकी? हम किसानों की गाय है। सरकार व्यवस्था की है, गौशाला खुलवाइए, लेकिन हमारे किसान जो है नहीं, क्यों नहीं जाते हैं आप? क्यों नहीं जाते हैं आप? क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं? सुनिए, एक मिनट भाई साहब, कोई आराम सुनिए। देखिए सरकार हल्ला बोला जी, जी मैंने हल्ला बोला है आपकी नवीन मंडी में, आपकी आवाज मैं उठाने आया हूँ। आप अपनी आवाज एक एक करके रखिए, बताइए। अभी आपने बिजली की बात की, बिजली की बात की। यहाँ सारे किसान हैं, सारे किसान दिन के अंदर केवल 4 घंटे बिजली आती है, आदमी आलू कैसे सींचेगा अपना? आप यहाँ कितने घंटे बिजली आती है? जी सर, जैसा कि अभी सर कह रहे हैं कि सिर्फ 4 घंटे दिन में आती है, लेकिन लेकिन शाम को 4 बजे से सुबह 7 बजे तक लाइट कंटिन्यू रहती है। उसके अलावा उसके उसके अलावा एक मिनट छोटा बच्चा कह रहा है सामने सामने, उसके अलावा पिछली सरकार में आपने देखा था, अगर लाइट का कनेक्शन कहीं से गड़बड़ हो जाता था या कोई फ्यूज उड़ जाता था, दो दो तीन तीन दिन कोई बनाने नहीं आता था। लेकिन आज के समय में अगर आप कंप्लेन करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपकी लाइट की समस्या सॉल्व हो जाती है। ये इस सरकार से विकास नहीं हो रहा है, विकास इसके लिए कि सुनो, योगी सरकार में, योगी सरकार में क्या हो रहा है? आपने बात की दंगा की, सपा की सरकार में इतना जानवर थे, सपा की सरकार में जानवर इतने थे, पहले बताइए, सपा के सरकार में इतना जानवर नहीं थे। सामने आइए, आप बात करिए, खुल के बात करिए, मैं आपकी आवाज उठाने आया हूँ हल्ला बोल के माध्यम से। सपा के सरकार में इतना जानवर, योगी के सरकार में इतना जानवर हो गए हैं, इतना आदमी रात दिन खेत ताक रहा है। किसान जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशान है, ये छोटा बच्चा अपनी बात कहने आया था। लाइट आपके यहाँ कितने घंटे आती है? हर एक दिन भी लाइट नहीं कटी है, ये बात सही है? ये कह रहा है कि लाइट नहीं कटी है। ये नॉन तेल क्यों खा रहे हैं? 5 किलो जो कह रहे हैं, एक लोग के 5 किलो देते हैं, इसके घर में 10 लोग होंगे, मतलब 50 किलो समझ लीजिए, आधा कुंटल। ये बच्चा अपनी बात कितनी समृद्धशाली से रख रहा है, आइए जानते हैं। एक लोगों को 5 किलो यानी 10 लोगों को 50 किलो अनाज। मोदी योगी आएंगे, फिर से आएंगे, ठीक है, मोदी योगी फिर से आएंगे। और क्या? और देखिए छोटे बच्चे हैं, ये क्या कहने जा रहे हो? ये नॉन तेल क्यों खा रहे हो? सरकार से जी 5 किलो गल्ला एक मिनट 5 किलो गल्ला देते हैं जी, एक यूनिट पे जी। क्या 5 किलो गल्ले में कोई आदमी खाना खा सकता है? महीने भर का खा सकता है? देखिए सारे दंगाई क्या? सुनिए सुनिए बच्चे की बात सुनिए। आप एक और बोलो, इधर आओ, ये देखिए आप एक और दे दे, क्या आपकी कपड़ा लगता सब कुछ ढेर के क्या? वो वोट नहीं, हम लोग कपड़ा लगते ढेर के क्या? वो वोट करते हैं, कपड़ा लगते ढेर के क्या आपका? बोल, हां बोल, पे बोल, आपका क्या ये कपड़ा लगता ढेर के क्या? वो चड्डी बनियान तक के ध्यान रखे क्या? वो तो बेटा कौन दे रहा है? वो बच्चा कहना चाहता है क्या सरकार आपको चड्डी बनियानी दे, क्या ये कह रहा है? क्या आप मुझे बताइए। इसके लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।